Students, good morning to all. In a previous class, we have studied what we have studied. Let us practice 2.4. I have given homework there. 10 example. Have you done that one? I hope that you have completed that 10 example. Now, today we will study subtraction of 5 digit and 6 digit number. Last year you may have studied subtraction of 3 and 4 digit number. Now, this year, subtraction of 5 digit and 6 digit number. Now, what do you mean by subtraction? Subtraction means what? Subtraction means taking away some number or an object from a group is called subtraction. Taking away means something. For example, these are the pieces of chalk. Now, here total pieces here in my hand, 5 pieces are there. Now, I have taken here from here 2 pieces. How many left now? 3 pieces again left. Means taking away, nikalna, koi चीज निकालना या फिर नंबर, टेकिंग अवे सम नंबर या फिर क्या है, हमें नंबर ही पढ़ना है, और एन ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज फ्रॉम ए ग्रुप, ग्रुप में से निकालना. अब 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से थ्री स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट देयर? 7, लाइक दैट. टेकिंग अवे सम नंबर्स और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? सब्सट्रैक्शन. अंडरस्टूड डेफिनेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन? टेकिंग अवे यानी कोई चीज निकालना, कोई नंबर निकालना या कोई चीज निकालना, उसको कहा जाता है क्या? सब्सट्रैक्शन. नाउ द नंबर दैट वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट द नंबर. फॉर एग्जांपल हियर 5 - 3, इजंट इट? इन सब्सट्रैक्शन ऑलवेज बिगर नंबर इज रिटर्न अप ओनली. 5 - 3, नाउ कितने निकाल रहे हैं? 5 में से कितने निकाल रहे हैं हम? 3. द नंबर दैट वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट. क्या है सब्सट्रैक्ट? यानी जिस नंबर को हम निकाल रहे हैं ग्रुप में से, उसको कहा जाता है सब्सट्रैक्ट. द नंबर फ्रॉम विच वी सब्सट्रैक्ट, कौन से नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं? 3, 5 में से. द नंबर फ्रॉम विच वी सब्सट्रैक्ट इज कॉल्ड मिन्यूएंट. उसको कहा क्या है? पहले वाले नंबर को, बड़े वाले नंबर को क्या कहते हैं? मिन्यूएंट. द नंबर फ्रॉम विच वी सब्सट्रैक्ट इज कॉल्ड मिन्यूएंट. एंड द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. रिजल्ट मतलब जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस. द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. सो अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल 5 - 3, 5 इज मिन्यूएंट, 3 इज सब्सट्रैक्ट एंड 2 इज डिफरेंस. सो अंडरस्टूड दिस वन? सो नोट डाउन. स्टडी सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग, सब्सट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग. सब्सट्रैक्शन विदाउट व्हाट? बोरोइंग. आफ्टर दैट वी विल स्टडी बी सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग. अंडरस्टूड? नाउ देर आर सम स्टेप्स, 4 स्टेप्स आर देर, स्टेप्स इन सब्सट्रैक्शन. सो अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज वी हैव टू डू सब्सट्रैक्शन एग्जाम्पल. वी हैव टू सॉल्व द सब्सट्रैक्शन एग्जाम्पल. अंडरस्टूड? फर्स्ट स्टेप व्हाट इज दैट? वी अरेंज द डिजिट इन कॉलम्स ऑफ 1000, 100, 10s and 1s. वी अरेंज द डिजिट इन कॉलम्स ऑफ 1000, 100, 10s and 1s. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप, वी अरेंज, हमको अरेंज करना है कॉलम वाइज. पहले कौन सा है कॉलम? 4 या 5 डिजिट का रहा तो 1s, 10s, 100, 1000. 4 डिजिट का रहा तो 1000 तक, और 5 डिजिट का रहा तो 10,000 तक. 1s, 10s, 100, 1000 or 10,000. We arrange the digit in columns of 10,000 or 1000, before 1000, 100, before 100, 10s and before 10s, 1s. ठीक है, कॉलम वाइज हम अरेंज कर रहे हैं. सेकंड स्टेप, बिगर नंबर मस्ट ऑलवेज बी ऑन द टॉप. बिगर इन सब्सट्रैक्शन व्हाट वी हैव टू डू? सबसे बड़ा नंबर ऊपर आना चाहिए. बिगर नंबर मस्ट ऑलवेज बी रिटन ऑन द टॉप. टॉप यानी क्या होता है? ऊपर, सबसे ऊपर बड़ा नंबर. स्मॉल और बड़े नंबर के नीचे क्या आना चाहिए फिर? स्मॉलर नंबर इज रिटन बिलो इट. टॉप का अपोजिट बिलो. टॉप यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे. यानी बड़ा नंबर हमें ऊपर लिखना है और छोटा नंबर कहाँ लिखना है? उसके नीचे. समझ में आया? सेकंड स्टेप. और थर्ड स्टेप क्या है? इफ देयर इज एनी वैकेंट. वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली, खाली होता है. जैसा अभी यहाँ पर 3 = 297. अब यहाँ पर लिया है मैंने 25. अब यहाँ पर 100, 1s, 10s, 100. यहाँ पर 100 में 100 का प्लेस वैल्यू 2, 10s का 10 एंड 1s 9, 7. ओके, नाउ हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 10s इज 1s, 10s, 2 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 1s इज 5. हियर नथिंग, 1000 में है नहीं है, यहाँ खाली जगह, तो इस खाली जगह की जगह हम क्या डाल सकते हैं? हम यानी 0. इफ देर इज एनी वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली, प्लेस इन स्मॉलर नंबर देन राइट 0. फिर उसके नीचे हमें 0 लगा सकते हैं. नहीं भी लगाया तो भी आंसर आता है, लेकिन आप अगर 0 डालते हैं तो भी ठीक है, प्लस रहो या माइनस में रहो. ओके, समझ में आया? इफ देयर इज एनी वैकेंट प्लेस इन स्मॉलर नंबर देन राइट व्हाट? 0. एंड
After doing all these things, now we subtract number in each column separately. यानी हमें right से solve करना है. Addition row या subtraction. Always start from the right side. Ones. After that, tens. After that, 100. And after that, last we have to find 1000. So समझ में आई इससे? Arrange करना है column wise. बड़ा number ऊपर लिखना है, छोटा number नीचे लिखना है. उसके बाद अगर खाली जगह रहते तो वहां जीरो डाल सकते तो और बाद में तुम्हें कॉलम वाइज उसको सब्सट्रैक्ट करना है. सो दिस आर द स्टेप्स इन सब्सट्रैक्शन. सो नोट डाउन दिस वन. नाउ एग्जांपल लुक दैट सब्सट्रैक्ट हाउ मेनी डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ टू रीड 2,33,542. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 2,33,542 टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी टू फ्रॉम 5,87,653. अब सब्सट्रैक्ट कभी भी सब्सट्रैक्शन में बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाता है. अब 2 लाख बड़ा है या 5 लाख बड़ा है, ये नंबर बड़ा है ना या ये सेकंड वाला, यानी इस नंबर को हमको ये नंबर में से माइनस करना है. तो 5 लाख विल बी ग्रेटर सेकंड नंबर. सो यू हैव टू राइट दैट नंबर. कभी भी बड़ा नंबर ऊपर लिखना है सब्सट्रैक्शन में. 5, 8, 7 अगेन 6, 5, 3 1,10,100,10,000 5 लाख. अभी इसके नीचे प्लेस वाले आप अभी क्या है लैक में यहाँ पर 1,10,100,000 2 नेक्स्ट नंबर 3 नेक्स्ट नंबर अगेन 3 आफ्टर दैट 5 आफ्टर दैट 4 एंड लास्टली 2. अब इनका क्या करना है हमें सब्सट्रैक्ट. सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है माइनस. समझ में आया. अभी प्लेस वाले आप 3 का क्या है 3 या 2 का इधर 1s 5 का 10s 6 का 100 7 का 1000 TH और 8 का 10,000 TTH एंड लास्टली 5 का है लैक लैक में है. ठीक है तो ये एग्जांपल है. अब ये कैरी का है या विदाउट कैरी वो देखेंगे आप. हम पहले पढ़ रहे हैं सब्सट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग और विदाउट बोरिंग वाला है ना. विदाउट बोरिंग और विदाउट कैरी. ओके नाउ कॉलम वाइज अरेंज कर. पहले स्टेप हमने कॉलम वाइज अरेंज करना है. फिर बाद में क्या करना है सेकेंड स्टेप में बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे वो भी हो गया. अब थर्ड स्टेप में अगर वैकन अगर यहाँ पर 2 नहीं होता था उस समय हमें क्या डालना पड़ता था यहाँ पर 0. अब यहाँ हमारे पास है यहाँ 2 तो 2 लिखे. ठीक है अभी सब्सट्रैक्ट कॉलम वाइज 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. नाउ 3 माइनस 2 3 में से 2 निकालना है. 3 माइनस 2 हाउ मच 1. 5 माइनस 4 अगेन 1. 6 माइनस 5 ऑल्सो 1 ही आता कॉलम वाइज. 7 माइनस 3 7 में से 3 निकालो कितना होगा 4. 8 माइनस 3 3 से 8 तक जा सकते हैं. 3 के बाद 8 तक 5, 6, 7, 8 नहीं 3 से 8 तक जाना है ना. 4, 5, 6, 7, 8 कितने बचते हैं यार 5. मैंने 8 में से 3 निकाले तो कितने बचेंगे यहाँ 5. नाउ 5 माइनस 2 हाउ मच 5 माइनस 2 3. सो योर आंसर इज 3,54,111. अंडरस्टूड. सो नोट डाउन दिस वन. नाउ अभी वी विल स्टडी सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग. बोरोइंग का मतलब अगर कैरिंग विथ कैरिंग. ओके और अगर ऊपर वाला नंबर छोटा रहता है तो उसको बड़ा करने के लिए हमें बोरो करना पड़ता है. अगर हमारे पास कोई चीज नहीं होती है पेन पेंसिल या पेन हम दूसरे को मांगते हैं ना वैसा और काम चलाते वैसा यहाँ पर करना है. सब्सट्रैक्ट 13,705 फ्रॉम 58,132. नाउ फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस टू नंबर विच नंबर इज बिगर 13,000 और 58,000 विच नंबर 1 इज बिगर और 5 इज बिगर. 5 इज बिगर यानी ये नंबर हमें इसमें से माइनस करना है बड़े नंबर. सो ऑलवेज राइट बिगर नंबर फर्स्ट. सो 58,132. ओके नाउ हियर 1, 10, 100,000, 10,000 प्लेस वैल्यू हियर इफ यू वांट टू राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 1 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 10 प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 100 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 1000 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 10,000. ठीक है अभी देखो 1, 10, 100,000, 10,000 के नीचे क्या आएगा 1. यहाँ पर ये नंबर लेना है 1000 के नीचे 3 बिलो 100 7 बिलो 10 0 एंड बिलो 1 5. अब क्या करना है हमें इसका माइनस. सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस. सब में आया माइनस साइन भी देखा यहाँ पर. अब कभी भी 1 से स्टार्ट करना बताया मैंने 1, 10, 100,000, 10,000. ठीक है लेकिन ऊपर वाला नंबर बड़ा चाहिए कभी भी. अब 2 और 5 5 क्या हो गया बड़ा हो गया और 2 क्या हो गया छोटा हो गया. तो बड़ा नंबर छोटे नंबर में से माइनस नहीं होता है तो इसको हमें क्या करना है ऊपर वाले नंबर को हम बड़ा कर सकते उसको करना है बिगर नंबर. तो बड़ा करने के लिए क्या है क्योंकि ये 5 बड़ा है 2 छोटा है 2 में से कैसे माइनस कर सकते हैं हम 5 क्योंकि ये नंबर हमें बड़ा चाहिए ऊपर वाला तो इसको कैंसिल करने का 2 को कट किए 2 ही लिखने का.
दूसरा नंबर नहीं निकलेगा, टू को कट करके टू लिखे, टेंस में से यहाँ बोरो करो, यहाँ पर वो है, यानी थ्री में से एक भेज दो इधर। अभी थ्री को भी काटना है क्योंकि ये वन कैसा है, थ्री में से गया वाला। अब थ्री के पहले क्या आता है, बिफोर थ्री विच नंबर हुई गए, टू, और टू यहाँ पर लिखना है, समझ में आया, ऐसा करना है। अब ये बड़ा हो गया, टू का ट्वेल्व हो गया और थ्री के जगह क्या रहेगा, टू। नाउ ट्वेल्व में से ट्वेल्व माइनस फाइव, अभी होता है फाइव से तुमको जाना है ट्वेल्व तक, फाइव से जाओ ट्वेल्व तक, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, हम इन फिंगर्स मार दे सेवन। सो यहाँ पर ट्वेल्व माइनस फाइव इक्वल टू सेवन, समझ में आया। अब टू माइनस जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, अगर सब जीरो अगर कोई भी नंबर में से माइनस करने से आंसर क्या आएगा, उसका नंबर आएगा या आंसर आएगा, जीरो आएगा। कितना भी कोई भी नंबर में रहा और ऐसा जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर इट से, वेन वी सब्सट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर देन वी गेट दैट नंबर इट सेल्फ आंसर। सो टू माइनस जीरो इज टू, टू माइनस जीरो इज टू। नाउ लुक दैट, नाउ अगेन नाउ हंड्रेड वाला वन सेवन, सेवन बड़ा है, वन क्या हो गया छोटा, तो इसको बड़ा करना है वैसे मेथड, इसको कैंसिल करने कट करके वन का वन लिखने का, वन बोरो करेंगे यहां से थाउजेंड में से। अब एट के पहले क्या आता हूं वो लिख के रखने का यहाँ सेवन, एट के पहले कौन सा नंबर आता सेवन। अब इलेवन माइनस सेवन, सेवन से इलेवन तक जाओ या फिर इलेवन लाइन ड्रॉ करो और सेवन कट करो उसमें, सेवन से इलेवन एट नाइन टेन इलेवन, दैट मीन्स इलेवन माइनस सेवन इक्वल टू हाउ मच फोर, सो राइट हियर फोर। नाउ सेवन माइनस थ्री, पहले देखने का सेवन बड़ा है थ्री छोटा है, होता है सेवन में से माइनस थ्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसमें फोर, ठीक है। और फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन कितना होता है फोर, सो फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेवन। सो नोट डाउन दिस वन, नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट चेकिंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन, चेकिंग सब्सट्रैक्शन बाय व्हाट एडिशन। हम आंसर को चेक कर सकते हैं हमारा जो आंसर है माइनस में वो बराबर है या नहीं, लेकिन वो क्या करके, चेकिंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन, बाय डूइंग व्हाट एडिशन। फॉर एग्जाम्पल दिस गिवन, फ्रॉम हियर वी अंडरस्टूड वेदर और आंसर इज राइट और रॉन्ग और अदरवाइज बाय डूइंग, यानी हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है तो सेकंड और थर्ड टर्म का आंसर और ये वाला बीच वाला टर्म उनका करना है एडिशन, ये दोनों नंबर का क्या करना है हमें एडिशन, समझ में आया। इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर वाला टॉप वाला, समझ में आया, चेकिंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन। अभी ये पहले ये चेक करो ये बराबर है, कभी कभी राउंड भी देख हो सकता है। नाउ लुक दैट 88,647 माइनस 50,394 क्या आंसर आता है कि 38,253, चेक करो उसको, 7 माइनस 4 3 बराबर है, 4 में से 9 माइनस नहीं होता है तो इसको हमने क्या किया 14 लेना पड़ेगा और यह रहेगा 5। नाउ 14 माइनस 9 5 ये भी बराबर है, 5 माइनस 3 2 ये भी बराबर है, 8 माइनस 0 8 8 माइनस 5 3 यानी ये जो आंसर आ रहा है ये बराबर है, वैसे इसलिए ये आंसर आएगा अभी दोनों को ऐड करने से, ठीक है। वी विल ऐड सेकंड एंड थर्ड टर्म, सो 50,394 एंड आंसर, आंसर क्या है 38,253। इनका क्या करना है, चेकिंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन, इनका एडिशन यानी प्लस, समझ में आया। नाउ लुक 4 प्लस 3 7, 9 में 5 मिला 14 होगा, 14 का 4 कैरी वन, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 एंड 0 प्लस 8 8 एंड 5 प्लस 3 हाउ मच 8 मीन्स 88,647 फर्स्ट नंबर आया, सेम हैज द फर्स्ट नंबर सो द आंसर इज करेक्ट, सेम हैज द फर्स्ट नंबर सो द आंसर इज करेक्ट, सेम हैज द हियर वन सेकंड वी हैव राइट सेम सेम एज द क्या फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर सो आंसर इज करेक्ट। अगर सेम नहीं आया फर्स्ट नंबर से तो फिर उस समय हमें लिखना पड़ता है सो द आंसर इज इनकरेक्ट, सो द आंसर इज व्हाट इज करेक्ट। अंडरस्टूड, सेकंड और थर्ड टर्म का एडिशन करने का, फर्स्ट आने से फिर करेक्ट लिखने का, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर इनकरेक्ट। हाँ अभी ये देखो 1,49,558 माइनस 14,274 एंड आंसर गिवन 1,35,384 आता है कि, चेक करो 8 माइनस 4 4 बराबर है, 5 में से 7 माइनस नहीं होता तो फिर इसको 15 बड़ा नंबर किए 15
यहाँ रहा 4, 15 माइनस 7, 8, ये भी बराबर है, 4 माइनस 2, 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या देखे 3, यहाँ पे मिस्टेक है ना, तो यहाँ पर आंसर इज इनकरेक्ट, पता लगता हमें इनकरेक्ट हो गया, 9 माइनस 4, 5, ये बराबर 4 माइनस 1, 3, ये भी, लेकिन यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो ये आंसर इनकरेक्ट आएगा। इसलिए अभी हमें क्या चेक करेंगे, हम सेकंड और थर्ड टर्म, थर्ड वाले टर्म को ऐड करके देखेंगे, क्या है ये, कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट एंड ये 6 डिजिट, कोई भी चलता है यहाँ पर, ठीक है, 14,000 फाइनल लिख रहा मैं, 14,274, इसके नीचे कितने डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10, 10, लाख, लाख में आएगा, 1 लाख 35,384, अब यहाँ पर नहीं है, लाख में है क्या, 1000 में चाहिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000 में, लाख में नंबर रहे तो तुम 0 भी डाल सकते हो वहां पर खाली जगह। अब इनका क्या करना है हमें, प्लस, ना ऐड, ना टेक, 4 प्लस 4, 8, 4 प्लस 4, 8, 7 प्लस 8, हाउ मच, 15, 15 का 5, कैरी 1, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 3, 6, ओके, 4 प्लस 5, 9, 1 प्लस 3, 4, एंड 0 प्लस 1, 1, क्या आंसर आ रहा, 1,49,658, क्या है क्या फर्स्ट वाला सेम, 1,49,600, यहाँ पर है 558, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, 658, एक नंबर मिस्टेक है यहाँ पर, 5 की जगह यहाँ 6 आ रहा, तो आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सेम सेम है क्या, नहीं है, नॉट सेम एज द फर्स्ट नंबर, सो द आंसर इज व्हाट, इनकरेक्ट, डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, सो द आंसर इज व्हाट, इनकरेक्ट, हियर वन सेंटेंस वी हैव ट्राइड, डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, सो द आंसर इज इनकरेक्ट, सो सो द आंसर इज व्हाट, इनकरेक्ट, हियर यू कैन राइट एट वन वन सेंटेंस अगेन वी हैव टू राइट, हियर यू कैन राइट, अप आई एम राइटिंग, सो द दिस बी वन, सो द आंसर इज, सो द आंसर इज व्हाट वी हैव टू राइट, आंसर इज इनकरेक्ट, दिस वन बी, ओके, डिफरेंट डिफरेंट आया, पहला वाला आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 5 है क्वेश्चन में देखे, और यहाँ पर हमारा आंसर में आ रहा है 6, इसलिए डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, सो द आंसर इज इनकरेक्ट, सो अंडरस्टूड, सो नोट डाउन दिस वन। नाउ नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 251 एंड 252, लेट अस प्रैक्टिस 2.5, 1 to 6, ऑल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन ओनली, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 251 एट फर्स्ट, लुक दैट, लेट अस प्रैक्टिस 2.5, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस ही, माइनस ही करना है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। सेकंड क्वेश्चन, सबस्ट्रैक्ट, सबस्ट्रैक्ट में यानी बड़ा नंबर ऊपर, पहला बड़ा है और सेकंड वाला छोटा है, बड़ा नंबर ऊपर लेके कॉलम वाइज, इसके जैसा करना है कॉलम वाइज, और थर्ड फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस भी माइनस ही करना है थर्ड क्वेश्चन में भी, एंड फोर्थ अरेंज इन कॉलम एंड सबस्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, कॉलम वाइज यानी ऐसा करना है कॉलम वाइज, बड़ा नंबर ऊपर लेके छोटा नंबर उसके नीचे लिख के माइनस करना है, और फिफ्थ में चेक द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन बाय एडिशन, सेकंड और थर्ड टर्म ऐड करो, अगर फर्स्ट आता है तो आंसर इज करेक्ट करके लिखो, या फिर अगर आंसर अलग आया तो डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, सो द आंसर इज इनकरेक्ट वैसा, और सिक्स्थ में कंप्लीट द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल सब्सट्रैक्शन, यानी 1000 less than 30,745, यानी लेस का मतलब माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या करना है आपको, माइनस 30,745 लिखो और उसके नीचे लिखो 1000 और माइनस करो, आंसर मिल जाएगा, एंड 10,000 less than 1,07,290 में से ये क्या करेंगे, 10,000 माइनस आंसर आ जाएगा उसमें, सब भी पूरे एग्जांपल माइनस के, सो ट्राई टू कंप्लीट दिस एग्जांपल।